प्रेमी सजनों, आपको अंजना पवन के किस्से में ते कुछ रागनी सुना रहा हूं। क्रोध आदमी का एक जबरदस्त दुश्मन है। क्रोध और गुस्से में उठाया गया हर कदम बर्बादी के रास्ते से गुजरता है और फिर पछतावा रह जाता है। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए यह जिक्र है कि अंजना जवान और शादी के लायक हो गई। अपनी पसंद का पति उसे खुद ही चुनना था, इसलिए अंजना के पिता ने राजकुमारों के फोटो मंगवाए थे। अंजना तो पवन कुमार को पसंद करती है, लेकिन उसकी सखियां हंसी मजाक में पवन में बहुत से खोट काटती हैं और क्या कहती हैं। इस्ते सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े मैं अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े मैं इस्ते सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े आप मरे से अंजना मत करे चाला पवन भूप में साठ कमी से कर शादी कटाला वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाला तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकारा संगमरमर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पुछे रोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े बंद होशियार भतेरी तू दाहू हद करगी कितना बुंडा पर टोया से अंजना कती ढसरगी दुख में सजा करण लागगी न्यू ते मेरे जरगी मने बता दे अंजना लड्डो क्या के ऊपर मरेगी वो कोजी दुखिया माखी भिण के कोजी दुखिया माखी भिण के हाँ दांत खाज के फोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े पढ़ी लिखी घनी शानी से तने मिल जागा कोई छेली सा सारी दुनिया तने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा सब चीजा की मौज रहे मिले राजा का रंग महले सा दसी बंदी नखरे उठे बेसक कर ले फैलिसा जितना चावे माल बरतिए जितना चावे माल बरतिए के
सिंह की गल्ला चले ते बिचड़ी पड़ जा जाटा मैं सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा मैं करे लामिनी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा मैं जे हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा में मेम साहब रह छीन थम छींटा मेम साहब रह छीन थम छींटा हाँ गोपर माची चोड़े मैं इस ते सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े पवन कुमार को अपनी इस तोहीन का पता चलता है तो वह तय करता है कि मौका मिला तो मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। होनहार बलवान होती है, आखिर अंजना की शादी पवन के साथ में हुई तो पवन बहली अंजना तय क्या कहता है। कुत्ता मार बन जा रा रोया वाहे कहानी बन गई हाँ मैं काला तू बुरी थी क्यों मेरी रानी बनेगी कुत्ता मार बन जा रा रोया वाहे कहानी बन गई मैं काला तू बुरी थी सारे खोट मेरे ना कटे फिर भी को न सरातन सुथरे छेल अमीर छोड़ के पवन भूप क्यों बरातन मेरे नाम पे बोली मारी कति समझ लिया मरातन जिंदगी बरना अच्छा होगा छाती महंगा करा तने जिंदगी बनना अच्छा होगा छाती महंगा करा तने तेरी एक बोली के कारण ते हाँ एक बोली के कारण ते हाँ तानी बनगी मैं काला तू बोली थी रानी बनेगी तमार बन जारा रोया वह कहानी बनेगी मैं कारा तू भोले थी चुकर रानी बनेगी बल्ला मन की सोची मन में रहगी तेरी बात अधूरी जा की टाल करा देती थी पैज परण की पूरी रूप हुसन पे घमंड करा दी अकल में कम सूरी तेरे लेख है आते दुनिया काली तू आपे मैं भूरी हाँ तेरे लेख है दुनिया काली तू आपे मैं भूरी हाँ तेरी जोड़ का पति मिलाना तेरी जोड़ का पति मिलाना तेरी सिठानी बनगी मैं काला तू भूरी थी मेरी रानी बनेगी कुत्ता मार बन जारा रोया वह कहानी बनेगी मैं काला तू भोले थे।
काढ़ लूं ख्याल साज उठे से मेरे मन के मैं तेरी बोली पार तीर लिखर जा पार पार मेरे तन के मैं दो पत ने भी बोली मारी दुर्योधन के दिल के मैं 14 साल तक पचो पंजा फिरे भटके बने के मैं 14 साल तक पचो पंजा फिरे भटके बने के मैं हाँ एक बोली के कारण ते भाई एक बोली के कारण ते वा दंगे खानी बन गई मैं काला तू गोरी थी मेरी करे रानी बनेगी कमार बन जारा रोया वही कहानी बनेगी मैं कारा तो बोले थे मेरी तो करे रानी पवन भूप का हुक्म ईसा तन मिल गया महल दुहागन गोला बाना बास हाथ में उड़ा कागे और कागने तीर मर्द का मेल खत्म हुआ किसी रही सुहागने बिना पति तेरे न्यूहे जांगे तुके सामने भागण हां बिना पति तेरे न्यूहे जांगे तुके सामने भागण हां मेहर सिंह ना दोस्त किसी का मेहर सिंह ना दोस्त किसी का तेरी दुश्मन पानी बन गई मैं काला तू भूली थी मेरी करे रानी बनेगी कुत्ता मार बन जारा रोया वही कहानी बनेगी मैं काला तू गोरी थी मेरी तो करे रानी बनेगी बहली अंजना को 12 साल का दुहाग देके पवन कुमार अपनी पलटन फौज के साथ घर तक लिकर के चला गया। 11 साल बीत गए। रात का समय था। बियाबान में फौज सोई पड़ी थी। पवन कुमार जाग रहा था। पेड़ पे चकवा चकवी दो पक्षी मिलने के लिए व्याकुल थे और विलाप कर रहे थे। पवन को ख्याल आया कि ये पक्षी एक रात भर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और मिलने के लिए रुदन कर रहे हैं, तो क्या अंजना तो अपने पति से मिले 12 साल बीत गए, पता नहीं हुआ कितनी दुखी होगी। तो मंत्री को तुरंत जगा कर और यूं कहने लगा, परिंदे इतना प्रेम करें उस दिलबर का केरा से हां अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार मां जा से हो परिंदे इतना प्रेम करे उस दिल भर का गिरा से अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार मां जा से करे मंत्री के बुझेगा करे मंत्री उस ईश्वर का शुक्र मंत्री शुक्र मंत्री बल्लभ वीर मर्द का फिकर मंत्री वीर मर्द का फिकर मंत्री समझनी
मियान खासे अन्ना गोरी पड़ी के मैं साल बार मां जासे हो परिंदे इतना प्रेम करे उस दिलबर का गिरा से दोरी होगी दाग खोड़ का दाग खोड़ का अंजना गोरी के मेरी ओढ़ का अंजना गोरी के मेरी ओढ़ का बला छत्ती के मगा से अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से परिंदे इतना प्रेम करें उस दिल पर का गिरा से अल्लाह गोरी पड़ी कैद में साल भर ना जासे लेख करा में का नहीं रे टड़ेगा लेख करा में का नहीं रे टड़ेगा हाँ पापे पुण्य सब गैल चलेगा गैल चलेगा भला मुझ पापी ने नरक मिलेगा मुझ पापी ने नरक मिलेगा और सुरक बीच में वास है अन्ना गोरी पड़ी कैद में साल बार मां जासे ओ परिंदे इतना प्रेम करे उस पर का गिरा से अन्ना गोरी पड़ी कैद में साल बार वाण का यो मौका से बतेड़ा वाण का बलटे में ईसा फेरे नाचा वाण का नाचा वाण का दिखे साज बाज पे गावन का भाई साज बाज पे गावन का इस मेर सिंह ने जासे अन्ना गोरी पड़ी कैद में साल बार मां जासे ओ परिंदे इतना प्रेम करे उस दिल भर का गिरा से अन्ना गोरी पड़ी कैद में साल बार मां जासे पवन कुमार घोड़े पर सवार होकर और रात के समय अंजना के महल पर पहुंच गया दरवाजा खटखटा दिया और न्यू कहने लगा सोवण आली बैठी होले तू पछे सोलिए तेरा बाहर खड़ा भर तार नार तू फाटक खोलिए तेरा बाहर खड़ा भर तार नार तू
पाठक बोलिए याद पति ने भूखी कसी मरती होगी घूट सबर की परती होगी घूट सबर की परती होगी आज दुखड़ा रो लिए तेरा पार खड़ा बरतार नार तू पाठक को लिए तेरा पार खड़ा बरतार नार सती मोरनी न खिस्तरिया ते सर जा तारू सरका कर जा गोरी तारू सरका कर जा गोरी तू ये खाता खोलिए पतिव्रता के फल लागे से पतिव्रता के फल लागे से खेल बोलिए बाहर खड़ा बर तार नार तू पाठक को लिए तेरा बाहर खड़ा बर तार उपदेश ज्ञान बिन कती नाम मिलेगा तने बारह साल का
कष्ट दिया मेरे हरगिज नहीं जिलेगा। कर्म पाल तन ज्ञान मिलेगा, कर्म पाल तन ज्ञान मिलेगा। गुरु जय सिंह टोलिए तेरा बाहर खड़ा भर तार नार तू नाटक बोलिए, तेरा बाहर खड़ा भर तार नार तू नाटक बोलिए। प्रेमी सजनों, किस्सा तो चल ही रहा है पर बिचारे में किसी का कहा हुआ एक चुटकला याद आ गया। एक कुमार कुमारी थे और कुमार की अवस्था वृद्ध हो गई थी। कुमार गुजर गया और कुमारी रोने लगी। गांव के लोग इकट्ठे होकर चले आए और उसको मनाने समझाने लगे। प्रधान जी सरपंच जी भी चले आए। कुमारी रोती रही और प्रधान जी कहने लगे, कुमारी अब तो चुप हो जा। कुमारी कहने लगी कि प्रधान जी चुप तो मैं हो जाऊं पर मेरे एक बात याद आवे है। अब के बात है, अब कुमार तो एक घोड़ी ले आता और इस पर कौन चढ़े करेगा। प्रधान जी कह लगे कि या तो रोने की कोई बात ना है, घोड़ी पे मैं चढ़ लिए करूंगा और गांव साजली चीज हो जाएगी। कुमारी चुप हो गई और थोड़ी देर में फिर रोने लगी। प्रधान जी कहने लगे कि अब के बात है, अब तो चुप हो जा। कुमारी कहने लगी कि प्रधान जी एक छोटी सी बात और याद आ गई। अक वाके अक कुम्हार तो एक रेडियो ले आता और इसे कौन बजाया करेगा। प्रधान जी कह लगे कि यह भी कोई बड़ी बात ना है, गांव साजली चीज हो जाएगी, मेरी बैठक पे धरी रह करेगी और बज जाएगी। कुमारी चुप होगी पर थोड़ी देर में फिर रोने लगी। प्रधान जी कह लगे कि अब कहे ने खाई, अब तो चुप हो जा, के बात हुई। अक प्रधान जी एक बात और याद आवे है। अके अक कुम्हार तो कुछ दिन पहले 10,000 रुपए ले आता उधार और इन्हें कौन देगा। प्रधान ने सोची सारी बातों की हाथों तय भरी ली, अब के मारा गया तू। चारोड का लखाल लग गया और गांव के लोगों तक कह लग गया, क्यों भाई सारी बातों की हाँ मैं ही करता रहूंगा के, ऐसा तुम भी तो एक आध बात की हाँ भरो। अंजना तय मिलके पवन वापिस चला आया और किसी को खबर तक नहीं चली। अंजना ने श्रृंगार करना शुरू कर दिया और अब वह गर्भवती भी थी। अंजना की सास ने अंजना पे शक करा और बदचलन होने का दोष लगाया। उसको धक्के देकर बाहर काट दिया और फिर न्यू बोली, आगा पाछा कुछ ना देखा, लूटे से रंग ठाठ तने, डूब गई बे बुद्धी अंजना, कर दिए 12 बात ने, आगा पाछा कुछ ना देखा, लुटे से रंग ठाठ तने, डूब गई बे बुद्धी अंजना, कर दिए 12 बात ने। शरम तन तार धरी तू अंजना खपर भरनी, शरम छोड़ के अधरम कर दी कोना पायु करनी। कर्मा के अनुसार जगत में आगे आव करनी, हरिया डंगर की तरिया तन खुद बिरानी चरेली हो, खुली बछेरी फिरी बाग में, खुली बछेरी फिरी बाग में, कोना खाली गाट तने, डूब गई बे बुद्धी अंजना, कर दिए 12 बात तने, आगा पाछा कुछ ना देखा, लुटे से रंग ठाठ तने, डूब गई बे बुद्धी अंजना। Thank you.
आख्या सहमी आख्या सहमी दिखे से तेरे खोट न करे लकोलू कोड पुआड़ा कर बैठी तने कड़े कड़े तरोलू ना दुनिया में जतनी सा तेरे पाप दाग ने दोलू के फाजा मन घड़ी कहर मैं अच्छी बूंदी हो लूहां खुली बछेरी फिरी बाग में खुली बछेरी फिरी बाग में हो ना खली गाज तने डूब गई बे उठी लंगड़ा कर दिए बार बार तने आगा पता कुछ ना देखा लुटे तेरी चर्चा चले सारी आप बिगड़े जा मुंह काला करवा बैठी तेरे काली नगर लड़ जा ना चाहती तेरी शक्ल देखनी तू घर ते बाहर लिखड़े जा के शकुआ जोहर टोहलिए के शकुआ जोहर टोहलिए डूब गई बे उठी अन्ना कर दिए बार बार तने अगा पचा कुछ ना देखा के शरम था तने डूब गई बे उठी अन्ना कर दिए बार बार तने रंग ठाट फूल जागी दिन मैं तारे दिखवा दूंगी जय बोले वो तेरी ओड़ न्यारे बासन चिकवा दूंगी मेरे बस की नहीं सानी तन चिट्ठी मैं लिखवा दूंगी मेरे बस की नहीं सानी चिट्ठी मैं लिखवा तेरी बहू घरा तू ते बॉर्डर पे हाँ बहू घरा तू बॉर्डर ले जान मिहर सिंह जाट तने डूब गई बे उठी अन्ना कर दिए बार बार तने अगा पछा कुछ ना देखा लूटे से रंग ठाट तने डूब गई बे उठी अन्ना कर दिए बार बार तने अंजना को तो घर तक काट दिया और उधर पवन को एक सपना दिखाई दिया। सपने में उसको अंजना किसी आपत्ति में फंसी हुई दिखाई दी। फौरन घर चलने के लिए तैयार हो गया और अपने मंत्री ते न्यू कहने लगा। मेरी तबीयत डटी ना डटती कोई पड़ी विपत मारे मैं सपने में दई बुरी दिखाई अंजना के बारे मैं तबीयत डाटी ना डटती कोई पड़ी विपत मारे मैं सपने में दई बुरी के बारे में
सखदा की नारद की कोए परी में पलमारे भोरी कुंठा पकड़े जगावे थी मने आंख देर में खोली जिब तैसा जन बैठा हो रे बहुत घनी हद होली टप टप आंसू पड़े आंख ते रोती रोती बोली इस जिंदगी में फेर मिलू ना इस जिंदगी में फेर मिलू ना प्राणा के प्यारे मैं सपने में दई बोली दिखाई अन्ना के बारे टकता कोरी के बहम में ना अन पानी खाऊंगा न्यू की न्यू बन की मन तेरी उल्टा नाऊंगा अंजना मरगी ते मैं भी मर जाई बिना जीना चाहूंगा अपनी नार काटनी दिखे अपनी नार काटनी दिखे चाही पे आए मैं सपने में दई बोली दिखाई अन्ना के बारे साचा हो जा घर बिगड़े बसा बसाया इस दुनिया में आके मन तेरी मुंह काला करवाया तोर किसे का दोस्त नहीं मन रे करने का फल पाया सारे खोट धरे पावेंगे सारे खोट धरे पावेंगे धर्म राज द्वारे मैं सपने में दई भोले दिखाई अल्लाह के बारे मेहर सिंह कह
ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੰਨ ਪਹਿ ਬੇਈਮਾਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾ ਨਾ ਛੋ ਜਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾ ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭਾਗ ਜਾਣ ਕੇ ਫੋੜਾ ਅੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਸ ਛੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ ਤੋੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਰਾਮ ਮਿਲਾਵੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਾ ਜੋੜਾ ਓ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਾ ਜੋੜਾ ਅੰਨਾ ਜੈਸੀ ਸੁਗੜ ਲੁਗਾਈ ਅੰਨਾ ਜੈਸੀ ਸੁਗੜ ਲੁਗਾਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਗਈ ਬੁਰੇ ਦਿਖਾਈ ਅੰਨਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਡਾਟੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਪਰੀ ਵਿਪਤ ਮਾਰੇ पवन कुमार घर चला आया लेकिन अंजना नहीं मिली। सारा हाल सुनके पवन कुमार अपनी मां ते और न्यू कहन लगा, बुरा मान चाहे भला मान, मां गलती कर दी खास तने, घर ते काडई पतिवरता, कर दिया सच्चा नास तने, बुरा मान चाहे भला मान, एक गलती कर दी खास तने, घर ते काडई पतिवरता, सासू देखे बाट बहू की, सासू देखे बाट बहू की, घर आवे नहीं नवेली, पुणवासी के बरत करे प्रसाद चढ़ावे भेली, एक लाल था पवन तेरे कर अन्ना हूर अकेली, वाबी घर ते काडई करे उल्टे बांस बरेली, रजवाड़ा में धूम माचरी, रजवाड़ा में धूम माचरी, ये तू के दसी दास ने घर ते काडई पतिवर था, सच्चा नास ने पूरा मन चाहे भला मान, एक करते करते खात तने, करते करते पति वरता, कर दिया सच्चा नास ने, रानी ते बनी का जुदाई, सारा झड़जारो पती शानी होके ना सोची तन्ने दिया धम्मे डोब कती, एक बेल की फल लागण की हरी कतर दी गो कती, नौ महीने की गर्भवती, हाँ नौ महीने की गर्भवती, के करनी न थी खास तने, करते काटई पतिवरता, कर दिया सत्यानाश तने, पूरा मन चाहे भला मान, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
घर का भाग घर का भाग सवाया हो बहु पैर शार पैदरा करे लक्ष्मी रूप वीर का हो धन को झांके मजरा करे अपने जमीन रे आप ही खारे उस नर का के भरा करे सो सो खोट भरे आपे मैं दोष वीरान धरा करे लाज शर्म का बंधन था लाज शर्म का बंधन था आज फिर दिया पर्दा भासने करते काट ही पतिवर था कर दिया सत्यानाशने अंधेरी महला के माँ आन बिछाई से मने मेहर सिंह की किस्मत जारी दिया बॉर्डर ऊपर भेज तने जाते गोली ते मारा जाना ले जा पकड़ अंग्रेज मने जाते गोली ते मारा जाना ले जा पकड़ अंग्रेज मने सिंगापुर में मारा जाना सिंगापुर में मारा जाना लाहौर मिले गिलास तने करते काटे पतिवर था कर दिया सच्चा नासने सास के घर तय करने के बाद अंजना पहले अपने पीहर गई लेकिन वहां भी उसको ठिकाना नहीं मिला। अब अंजना निराश होगी और जंगलों में घूमती फिरती भटकने लगी तो उसके मन में क्या क्या ख्याल आए इस रागिणी में सुनिए। सास जड़ी ने घर तय काटी ले झूठे ओ जामे हाँ नौ महीने की गर्भवती मेरे आसंग न गो जामे सास जड़ी ने घर तय काटी ले झूठे ओ जामे नौ महीने की गर्भवती मेरे पति संग आके कच्चे बारा साल मने ते महल दुहागी पाके पिछले कर्म का दुख आगे आ जा रात अंधेरी छाके बसी खुशी टुकड़े खा दिन कच्चे काव्य उड़ाके बसी खुशी टुकड़े खाने कच्चे काव्य उड़ाके दिन पुतरे रंगे हो
हवेली तो जा मैं मिने की गर्भवती मेरे भटकती विपता ने दिया घेरा उठ के चली गुंठी पड़गी दीक्षा को न झेरा जंगल के मां डर लग से होरा गोड़ अंधेरा जंगल के मां डर लग से होरा गोड़ अंधेरा बेराना किते आने फंसी मैं बेराना सते आने फंसी मैं इन जान बोझड़े बोझा मैं मिने की गर्भवती मेरे आसंग ना गोजा घूमती फिरती भटकती रही उसको दूर एक कुटी दिखाई दी अंजना कुटी पे पहुंच गई साधु संत महात्मा भजन में लगे हुए थे अंजना ने जाकर शीश झुकाया प्रणाम किया और उसके मन में क्या क्या ख्याल आया के मां चलते चलते एक देवी दई दिखाई वार करीना तावल करके कुची के ऊपर आई बैठे ऋषि भजन करे थे चरणा नार झुकाई बैठे ऋषि भजन करे थे चरणा नार झुकाई जंगल के माहो जंगल के मान फसी मित सन्यासी मोझा में माने की गर्भवती मेरे आसंग ना Yeah.
एकर में अगाड़ी खेती करनिया बरती हो गया जाके देखी पाड़ी लाने का कोलू पोका पारा बाजा करती जाई मेहर सिंह तन हल भी जोड़ा खोदे ही सुर जाई मेहर सिंह तन हल भी